हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए। इसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, जिससे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ऐसा स्टॉक जो मतलब समझो कि 1,100 रुपये से आपको मिला केवल 300 रुपये के बाजू में, केवल 300 रुपये के बाजू मिला। मतलब 1,000 रुपये से तो ऊपर गया था स्टॉक्स, लेकिन अभी बहुत क्या मतलब बहुत ही सस्ता देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल, देख लीजिए बहुत सस्ता है भाई। इतना ऊपर गया था ना ये स्टॉक कि आप ऐसे स्टॉक को दोबारा मतलब मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। आप यहाँ पर खुद ही देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए, ये दिख रहा है कि 1000 का लेवल है, लेकिन ये गलत है। ये 1100 या 1200 के लेवल में ये गया था। 1100-1200 रुपये का शेयर आपको मिल रहा है केवल 330 रुपीज़ में। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाले दिनों में क्या कभी नहीं मिलेगा। और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़ने के बाद कितना बड़ा झटका लगेगा ना, ये बोलना भी बहुत क्या बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ऐसा तो अभी बता दे रहा हूँ, जितना फ़ायदा है मतलब मैं आपको बोलूँगा फ़ायदा उठा लो, नहीं तो फिर प्रॉफिट चला जाएगा। ये जो कंपनी है ना, ज्वेलरी के लिए ज़्यादा काम करती है, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, और उसके लिए भी बहुत सारे मतलब क्रीम व्रीम वगैरह जो होता है उससे ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाती है। देख सकते हैं डायमंड का प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्यूटी क्रीम वगैरह हो जाता है। ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत बेहिसाब चलता है ये। और ये कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बेचती है, इंडिया में और चाइना में ये सारी चीज़ों को बनाया जाता है सस्ते प्राइस में, और पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता है महंगे से महंगे प्राइस में। ऐसा बहुत सारे इनके मतलब सब्सक्राइबर अगर आप देखो तो बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में, देख लीजिए बताया जा रहा है ये चाइना और इंडिया है, दोनों जगह इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, और पूरे वर्ल्ड में अपना जो है पूरे वर्ल्ड में जो है ये चीज़ों को बेचते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा, सही है, यहाँ पर आपको ये जानकारी भी दिया जा रहा, देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इंडिया में और चाइना में, और कहाँ कहाँ ये नहीं बेचते हैं भाई अपना प्रोडक्ट, ये पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। देख लीजिए ये नाम लिखा गया कि कहाँ कहाँ ये अपना प्रोडक्ट ले जाकर बेचते हैं। और ये कंपनी का जो शॉप अगर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सारे हैं ब्रांड, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो B2C बिजनेस टू कस्टमर काम करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर, सही है। कुछ UK बे, USA बे, सब जगह अलग अलग आपको जो है देखने को मिल जाता है। ई कॉमर्स में भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ई कॉमर्स मतलब जो ऑनलाइन ये बेचने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है ऑनलाइन बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन 24 आवर्स ये बेच सकते हैं ना, ऑफलाइन ज़्यादातर नहीं बेच सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, टेम्प्ररी आपको रिस्क देखने को मिल सकता है टेम्प्ररी, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा ग्रोथ है कि भाई फ्यूचर में समझो कि ये ऐसा स्टॉक्स दोबारा मिलना भी मुश्किल है। 2% तक का तो ये कंपनी आपको डिविडेंड ही देती है, कितना डिविडेंड। प्रॉब्लम क्या है कि क्यों स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला, हुआ क्या कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया। ये देखोगे तो सेल्स 550 करोड़ से 693 करोड़, मतलब 700 करोड़ तक तो जा चुका है। तो भाई प्रॉब्लम क्या है, सेल्स तो बढ़ा है ना, तो भाई प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन पहले ये कंपनी 13% 16% 17% तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करती थी, बीच में देखो 6% तक आ चुका था, और अभी देखो 7%। मतलब इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि अमेरिका में ये कंपनी ज़्यादा काम करती है, UK, USA, ब्राज़ील, इसराइल, ये सारे जगहों में ये कंपनी ज़्यादा काम करती है, तो पूरे वर्ल्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 10 टाइम्स उन्होंने जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, और बोला जा रहा है कि 1 या 2 बार और बढ़ा सकते हैं। तो इसी चीज़ के कारण जो है इनको जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसेस हो जा रहे हैं, खर्चे हो जा रहे हैं, तो इनका मार्जिन बहुत कम आ रहा है। और इसी के कारण जो इनके क्वार्टर रिजल्ट में कुछ अच्छे खासे परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। पहले तो कंपनी देखेगा तो 100-100 करोड़ तक का प्रॉफिट करने की कोशिश कर रही थी, अब देखो 20-30 करोड़, तो ये एक प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पर। तो अगर आने वाले दिनों में सब कुछ इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता तो वापस इस कंपनी का मार्जिन बढ़ चुका होगा। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स देख लीजिए, काफ़ी अच्छे यहाँ पर अपना जो है ये इंटरेस्ट दिखाते हैं, बाकी केवल 14% ही जो है पब्लिक के पास है। तो देखिए इतना मैं बोलूँगा कि जितना ज़्यादा जानकारी लीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मतलब ये कंपनी जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है कंपनी काम करती है, ऐसा है। और आने वाले दिनों में कंपनी में एक अलग ही टाइप का आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको बोलूँगा क्या पहले से ध्यान रखेगा तो अच्छा रहेगा, बाकी आप डिविडेंड को, डिविडेंड पर शेयर और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर को आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का वैल्यू क्या है और कितना ज़्यादा ये कंपनी का वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रहा है। और आने वाले मुझे लगता है कि 3-4 क्वार्टर में जो है कंपनी का ये क्या बोलता है अर्निंग भी इंप्रूव हो जाएगा, जिस तरीके से अमेरिका में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है इस वजह से। तो अभी टेम्प्ररी जो है स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन अब जो है गिरावट के बाद आप कंसोलिडेट वे में आ रहा है, साइड वे में। देख लीजिए पिछले 1 सालों से ये स्टॉक जो है केवल साइड वे में जाने की कोशिश कर रहा है, ये देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से स्टॉक नहीं गिरना चाहता है, ऐसा है। पिछले 5 सालों में तो देख लीजिए गिरावट जो होना था वो गिरावट हो गया, अब देखिए ये साइड वे में जा रहा है बिल्कुल, है कि नहीं है। तो
अभी यहाँ पर भी देखिए तो बहुत ज़्यादा साइड वे स्टॉक गया था, उसके बाद देखिए एकदम बहुत तेज़ी आई थी, फिर साइड वे में जा रहा है, फिर कभी भी बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो भाई इतना ही बोलूँगा, कंपनी अच्छी है, देखिएगा रिसर्च की जगह, ये कोई एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा, एक इन्फॉर्मेशन है कि अच्छी चीज़ कम प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है।